हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेवंथ क्लास साइंस का चैप्टर फर्स्ट। नेम ऑफ चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण, यानी पेड़ पौधों में भोजन की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उनका जिक्र करेंगे। वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, उनके एक नजर में पहले उनके नेम्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर का अंदर जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूट्रिशन, जो कि ये वर्ड चैप्टर के नेम में भी आया है। फर्स्ट पॉइंट है अपना न्यूट्रिशन, सेकेंड पॉइंट न्यूट्रिएंट, देन थर्ड पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सम एनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट पॉइंट है अपना वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जैसे अभी मैंने बताया हिंदी में पोषण, यानी भोजन लेने का तरीका, भोजन को ग्रहण करने का तरीका। तो इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स बाय एनिमल्स इज नॉन एज न्यूट्रिशन। यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स को, यानी भोजन के अवयवों को शरीर के अंदर लेना, भोजन के रूप में अंदर लेना, लेने का जो प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन वो भी न्यूट्रिशन की। सेकंड, अभी जैसे न्यूट्रिशन की मैंने डेफिनेशन लिखी तो ये सबसे हाईलाइट वर्ड यही था न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है, इनकी हिंदी मैंने बताई भोजन के अवयव, जिनको एक तरह से हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सिक्स क्लास में वैसे पढ़ के आया ही है कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं। फाइव टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, वाटर, मिनरल्स, ये सब फूड कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हीं को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी जो भी हम भोजन के रूप में जितना भी मटेरियल अंदर लेते हैं उसमें इन्हीं कंपोनेंट्स में से कुछ होते हैं, यानी या तो ये सारे हो सकते हैं। कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, कुछ में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, कुछ में विटामिन ज्यादा होता है, और कुछ ऐसी डाइट बैलेंस डाइट होती है जिनमें प्रॉपर अमाउंट में ये सभी होते हैं, ऐसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट को डिस्कस करने के बाद, तो ये बेसिकली न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन मैंने बताई। यहाँ पे जो मैंने लिखी है शॉर्ट में डेफिनेशन वो ये है, ऑल फूड कंपोनेंट्स नॉन एज न्यूट्रिएंट्स, यानी जितने भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो चैप्टर का है वो है अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के, पोषण के, भोजन को अंदर लेने के, भोजन ग्रहण करने के क्या क्या तरीके हैं, उनका मोड क्या क्या है। तो वो है, वो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है अपना ऑटोट्रोपिक और सेकंड टाइप जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो, स्टूडेंट्स ऑटो का नाम से पता चल रहा है सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है सेल्फ, जो ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है टेकिंग प्रिपेयरिंग ऑफ फूड, फूड लिख लो एक तरह से फूड, यानी कि सेल्फ यानी ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद, और खुद फूड प्रिपेयर करते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक एनिमल्स। वैसे एनिमल होते ही नहीं है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे सिर्फ
ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उनके अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिस प्रोसेस के कंप्लीट होने पर वो फूड प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स क्या, दूसरों पे निर्भर रहना, दूसरों पे निर्भर रहना, और ट्रोप यानी भोजन के लिए, भोजन के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहना, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं हेटरोट्रोप्स, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे हेटरोट्रोप्स होते हैं, हेटरोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं ऑल एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना इस चैप्टर का वो है, ये तो कुछ, ये मेन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दो टाइप का होता है उसको हमने डिस्कस किया, कुछ अलग टाइप का न्यूट्रिशन भी जो एनिमल्स में देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो पॉइंट हेडिंग बनाता हूं मैं, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी दो मेन जो टाइप हमने या मोड जो न्यूट्रिशन के डिस्कस किए वो थे हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अलावा भी होते हैं तो कुछ अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिस्कस करें। तो अलग अलग जो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं, वो यहाँ पे फर्स्ट वाला जैसे कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और इस तरह का न्यूट्रिशन जिन एनिमल्स में मिलता है उन एनिमल्स को कहते हैं पैरासाइट्स। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है सेप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे एनिमल जिनमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स एनिमल। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे होता है वो इंसेक्टिवोरस टाइप न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस टाइप न्यूट्रिशन जिन ऐसे एनिमल्स को कहते हैं इंसेक्टिवोरस एनिमल। और लास्ट है यहाँ पे सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं सिम्बायोटिक एनिमल्स। अब इनके एग्जांपल्स की बात कर लें, पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स होता है ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसे एनिमल जो न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि काफी सारे ऐसे जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे एनिमल होते हैं जो भोजन के लिए दूसरे बड़े एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी खूब सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसके अंदर रहते हैं, वो हमारी आंतों में से जो है भोजन लेते हैं, यानी हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। सेकेंड टाइप यानी सेप्रोफाइटिक टाइप न्यूट्रिशन का एग्जांपल दूं तो इसका मेन जो ये होते हैं सेप्रोफाइटिक एनिमल्स, ये भी इनका जो भोजन होता है वो अलग टाइप का होता है, ये डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग जो मटेरियल होते हैं उनको खाते हैं, यानी मरे हुए जीव होते हैं या सड़े गले पत्ते वगैरह उनको भोजन के रूप में खाते हैं। और इंसेक्टिवोरस एनिमल की डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसे एनिमल होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इनको इंसेक्टिवोरस एनिमल कहते हैं। और लास्ट सिम्बायोटिक एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि ये भी एक तरह के पैरासाइट्स ही होते हैं लेकिन ये डबल रोल अदा करते हैं, कैसे कि ये अगर किसी के दूसरे बड़े एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं तो वहां से भोजन लेते हैं, साथ ही साथ उसको ऐसा कुछ मेटेरियल देते हैं जो उसके लिए काम का होता है। आगे का जो स्टडी है वो हम बुक रीडिंग के माध्यम से करेंगे।